शाहरुख खान ने 80 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। बात की जाए तो इनके घर का नाम है मन्नत, जिसमें 5 रूम हैं और एक स्टनिंग स्विमिंग पूल है और खूबसूरत सी लाइब्रेरी है अंदर ही, और उन्होंने एक प्राइवेट मूवी थिएटर बनाया हुआ है। इनके घर की कीमत है 200 करोड़। रजनीकांत की बात की जाए तो ये अपनी मिसाल आप हैं। इन्हों को तो हम बचपन से एक्टिंग में देखते ही आ रहे हैं, और आज भी ये अपने थिएटर में कोई फिल्म लगाते हैं तो करोड़ों लोग मन के चले जाते हैं। और इनके घर की बात की जाए तो इनका बहुत ही सिंपल और सादा से लोग हैं, मगर इनकी सादगी का ये आलम है कि 35 करोड़ के घर में रहते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और सादा सा है। मगर जिस जगह पे इनका घर है, उस जगह पे बहुत से वकील, जज और अमीर लोग रहते हैं, मतलब किसी को आसानी से नहीं मिल सकता वहाँ घर। सलमान खान जिनके घर की बात की जाए तो ये काफ़ी टाइम से एक ही घर में रहते हैं, इनको 10 साल हो चुके हैं। इन्होंने शाहरुख खान की तरह कोई मन्नत महल नहीं बनाया है, बल्कि गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं, और इनके अपार्टमेंट की कीमत है 100 करोड़। मुकेश अंबानी तो अपने आप में एक मिसाल है, इस वक्त इंडिया में इससे ज़्यादा कोई पैसे नहीं दिखा सकता। फिलहाल इन्होंने अपने बेटे की शादी में करोड़ों करोड़ लगा दिए हैं, और इनके घर की बात की जाए तो इनके घर की कीमत है 15,000 करोड़ है, जिसमें इनका अपना स्विमिंग पूल है, अपना इनका एक बहुत बड़ा लॉन है, और अपना ही इनका एक बहुत बड़ा गैरेज है। और इनका हॉल की बात की जाए तो बहुत सुपर डुपर फर्नीचर है, एक से एक हर चीज़ मुहैया है।